मेरा तो यही मैसेज है, हम इंसान हैं, इंसान की तरह रहे। अब हम बढ़ गए हैं IVRI से आगे को, और ये है रोड आगे जो निकलता है पॉइंट में और टेंपल पे। तो अभी हम जाएंगे पॉइंट में, दिखाएंगे आपको। और कुछ ऐसा है ये IVR से आगे जब आप बढ़ते हैं टेंपल या पॉइंट की तरफ को, तो टोटली ग्रीनरी है लेफ्ट राइट, और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, आपको स्वादिष्ट पहाड़ का यहाँ पर भोजन भी मिलता है। और तो बढ़ते हैं आगे, फिर आप देखें। तो अब हम ये आए हैं IVR से आगे, तो अब हम बढ़ेंगे यहाँ से सीधे आगे पॉइंट की तरफ। और जब आप आते हैं यहाँ पर, तो ये देखे कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रसाद अरसाद ये बेच रहे हैं। यहाँ पर सभी सामान वामान बेचते हैं, क्योंकि जो टेंपल जाते हैं वो यहाँ से सामान वामान लेके जाते हैं। और ये आप चढ़ेंगे ऊपर सीढ़ियों से, अगर आप सीधे ऊपर को जाएंगे तो आप टेंपल जाएंगे, और आप लेफ्ट अंदर को जाते हैं, जो बटिया है वो ले जाती है आपको पॉइंट में। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बटिया भी, आप इसे भी देख लें समझे। ये जो नीचे को जा रही बटिया भी मैं और दिखाऊंगा विस्तार से, और ये ऊपर को मंदिर को जा रहे हैं हम। और ये जो नीचे पैदल बटिया है ये पॉइंट को है, और ये किनारे लगे हैं सब ये ढाबे रेस्टोरेंट हैं, ये बेचते हैं। यहाँ पर सभी कुछ मिल जाता है खाने पीने का भी, फास्ट फूड टाइप भी। ये है पैदल बटिया जहाँ जाना है हमने पॉइंट को, यहाँ नीचे से जैसे हम आए, ये ऊपर वाला रोड जो है टेंपल को जा रहा है, और नीचे ये पतला जो रोड है ये ले जाएगा हमें सीधे आगे पॉइंट पे। और इस रोड को चौले की जाली बोलते हैं, तो सर में चौले की जाली जो बोलते हैं इसे बोलते हैं। और यहाँ पर ये चचा ने फ्रूट रोड भी रखे हैं, वाटरमेलन वगैरह मिल जाता है सामान, ऐसा नहीं है सीजन के हिसाब से। ऑफ सीजन में आते हैं तो यहाँ पर आपको, ऑफ सीजन में ठंडे वाले मौसम में आते हैं तो वहाँ पर कुछ और आइटम मिलेगा, गर्मी वाले मौसम में कुछ और। आगे आपने देखा तो पैदल पटिया है, जो ऊपर गई है वो मंदिर को गई है, और नीचे जा रहे हैं। और ये जो नीचे को आप देख रहे हैं पैदल पटिया, ये ले जाएगा हमें सीधे पॉइंट पे। और वैसे पैदल पटिया का नाम, इसको चौली के जाली भी बोला जाता है। और कुछ इस तरीके से रास्ता है ये, देख रहे हैं आप ये। और ये हमारे लोकल दादी लोग जा रहे हैं। नमस्कार, और क्या हो रहे हैं दादी? ये कुछ इस तरीके से आप जब आएंगे मुक्तेश्वर में, जो लास्ट इंडे बैठता है वो यहाँ का बैठता है। और ये मैं चल रहा हूँ ऐसे, और आपको भी दिखाता हूँ। ये सब ये नॉन उत्तराखंड आ रहे हैं, ये सब घूमते घूमते सभी नॉन उत्तराखंड हैं। यहाँ पर अधिकतर जो आते हैं सभी नॉन उत्तराखंड ही आते हैं यहाँ का मंदिर और ये पॉइंट देखने के लिए। ये कुछ मैम सर लोग भी निकल रहे हैं। इस तरीके से सर लोग आए हैं। सर कैसा लग रहा? हाय, मजा आ रहा है, ग्रेट। और ये यहाँ डस्टबिन रखा हुआ है, इसमें कूड़ा ऐसे वेस्ट ना करें करके। और बाकी यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे रास्ता बना हुआ है यहाँ पर। ये इस तरीके से ऊपर पेड़ है, नीचे भी पेड़ है, और गदेरा खाई भी है। और ऐसे हमने चलना है आगे पॉइंट की तरफ को। ये हम बढ़ रहे हैं पॉइंट की तरफ को। थोड़ा सा नया करने को मिल जाता है यहाँ पर, और तो कुछ नहीं है। वॉकिंग है, पैदल 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 चलना है यहाँ से। अब वही है पॉइंट है, तो वैसे मैंने पहले ही देखा है यहाँ, हम तो बहुत ही पहले आ चुके हैं, लेकिन आज मैंने कहा आप लोग भी देखें जब मुक्तेश्वर आते हैं। मुक्तेश्वर नामी जगह है, बहुत फेमस जगह है, तो यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर माहौल मिलता है देखने को और क्या क्या है। तो यहाँ पर हाय 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 ये, और ये हमारे जब हम रास्ते में चल रहे हैं, धूप हो रही है,
गर्मी भी हो रही, ऊपर से थकान हो रही है, और ये हमारे दादी ने लगा रखा। दादी क्या लगा रखा है? बुरासा फूला जूस। अच्छा, बुरासा फूला जूस। पहाड़ी में ये हमारे दादी है। दादी कैसा चल रहा काम? हम काम आज कल छुट्टी आएगा। अच्छा, ये सेकंड सैटरडे और संडे मिल गया। अच्छा, और ये मैम लोग यहाँ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। अभी मैम लोगों से भी पूछेंगे कहाँ से आए हैं, थोड़ा इनका भी अनुभव लेंगे, एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दादी और क्या क्या है बुरास के फूल के अलावा? बुरास के फूल का जूस है, नींबू पानी है। अच्छा, और गिलास के हिसाब से? अच्छा, और ये हमारे सर लोग। हाय सर, एक चैनल है मेरा ब्लॉग। कहाँ से आए सर आप? काशीपुर से। अच्छा सर, पहले भी आए थे आप? नहीं, पहली बार। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू। चैनल का नाम क्या है? विल गेट एवरीथिंग मैम। अच्छा, ब्रांच का जूस चल रहा दादी? हाँ, और भुट्टे भी हैं। अच्छा, भुट्टे आगे लगा रखे हैं क्या? भुट्टे। अच्छा, भुट्टे भी लगा रखे हैं। तो आप यहाँ पर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाने पीने की सुविधा नहीं मिलेगी, सभी सुविधा मिलेगी। जैसे कि दादी ने बुरास का फूल का जूस बना के दे रहे हैं, जो कि मैंने बुरास और स्टिंग वाटर यूज करते हैं, स्रोत वाला पानी। अच्छा, और ये दादी ने पानी रखा है इसमें, ये स्रोत का पानी। अच्छा, ये हमारा पहाड़ी कल्चर है जो दादी लोग छलकाते हैं यहाँ पर, दिखाते हैं। सब ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी, और सब ओरिजिनल चीज है, ऑर्गेनिक है। आप और इसको देखेंगे आप, पाइन कौन बोलते हैं का। अच्छा, ये ऑर्गेनिक बना होता है, लकड़ी का होता है ये। कभी लाइफ टाइम चलेगा, कभी खराब नहीं होगा। अगर पानी में डालोगे तो डीप करोगे तो पूरा बंद होगा ये। अच्छा, अगर धूप पर होगे तो खुल जाएगा। अच्छा, तो देखा जैसा कि अभी दादी ने बताया ये, अब मैं दादी को दिखाता हूँ प्रॉपर अच्छी से उनकी। अच्छा, तो दादी आप यहीं रहते हैं फिर? हाँ, दाड़ीमा गाँव। अच्छा, दाड़ीमा गाँव के हैं। अच्छा, दाड़ीमा से यहाँ चल रहा है आपका कारोबार? अच्छा, सही चल रहा कारोबार है, ठीक चल रहा। अच्छा, तो अभी आप जैसे बता रहे थे दादी ने ये रखा है सारा सामान, ये देखें जूस का, ये जूसर मशीन है, नींबू का फ्रेश जूस दादी देते हैं। और ये बता दादी, इसके बारे में क्या कहा था आपने? ये पाइन कौन है? पाइन कौन? चीड़ है। चीड़ ये को होता है कि मतलब जिसमें गम निकलता है, जिसमें चिलगोजा निकलता है। चिलगोजा आपने नाम सुना होगा? हाँ। तो पाइन की दर्द के लिए जोड़ को, जिसको खाने से जो 2000 रुपए केजी मिलता है, तो इसके अंदर सीड होता है ना। अच्छा, ये ऐसा है ना, मैं मेरे को तो चिलगोजा है, आप इसके देखेंगे इसको। हाँ, चिलगोजा निकलता है। अच्छा, जो जोड़ो का दर्द होता है, पाइन गम गम होता है ना। अच्छा, जिसे पहाड़ी में लीसा भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें गम होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, गम होता है, ठीक हो गया। होता है, जो इसके अंदर से सीट खाएंगे आप, जो जोड़ों का दर्द होता है। अच्छा, चिलगोजा बोलते इसको। अच्छा अच्छा, तो ये दादी ने बताया जैसे कि इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं, लोग लकड़ी समझ के इसको छोड़ जाते हैं, लेकिन ये लकड़ी खुली में भी बहुत सुंदर लिख रही है दिखने की, और बंद में भी इसके इतने गुण हैं, दादी ने वो सारे विस्तार से बता दिए हैं। और ये दादी का पूरा सेटअप है, ये पुदीना रखा है दादी ने, ये चीनी रखी है पीसी हुई, ये काला नमक है। आप लोग यहाँ पर आए तो एक बार जरूर दादी से जानकारी भी लें और जूस वूस भी पिएं, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, प्योर मिलता है यहाँ पर। तो यह है कि आपको सुविधाएं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप इतना पैदल चल के आ रहे हैं तो आप खाली थक जाएं और कोई सुविधा नहीं मिले। यहाँ पर सब सुविधा है, जूस वूस सुविधाएं, खाने पीने की। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ आगे क्या क्या है। ठीक है दादी, थैंक यू। तो ये बड़े हम यहाँ हमारे दादी ने, अच्छा दादी ने भी वही रखा है। दादी आपने भी, आपने सेटअप? अच्छा, दादी नया नया है ये, स्टार्ट का रखा है हमने फिलहाल। अच्छा, लोकल फ्रूट आ जाएगा अगले महीने से, दादी बता रहे हैं कि हमारा लोकल फ्रूट चलेगा यहाँ पर। तो आए, वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं, उसके बहुत बेनिफिट्स रहते हैं बॉडी के लिए। तो ये है, चलो ठीक है दादी, आगे देख के आते हैं। ठीक है, ओके दादी, थैंक यू। ये यहाँ का लोकल आइटम है। तो आप लोग अगर पैदल पैदल इतना आते हैं, ज़्यादा पैदल तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पैदल है ही, क्योंकि जो लोग रोज़मर्रा कारों में चलते हैं उनके लिए तो पैदल लगता ही है। तो वो लोग यहाँ पर जब आते हैं लास्ट इंड में, तो इंड में आने के बाद उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर खाने पीने के लिए मिलती हैं। जैसे ही अब पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले होते हैं तो यहाँ पर से आपको कलाकार भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा आने लग गई थी, ये गाना बजा है और दादी गाना भी गा रहे हैं और आवाज़ भी इनकी अच्छी है। बट क्या है, मैंने ये हटा दिया है, उसका कारण ये है क्योंकि ये कॉपीराइट हो जाता है वीडियो में, तो मुझे हटाना पड़ गया है। और बॉलीवुड सॉन्ग है, ये भी सिंगर हैं यहाँ पॉइंट के, तो ये मज़ा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पॉइंट में आओ इतने थके आ रहे तो यहाँ पर थोड़ी एनर्जी भरने के लिए हैं ऐसे हमारे कलाकार पहाड़ के, जिनकी आवाज़ भी प्यारी है और खाने पीने की भी व्यवस्था बनाई रखी है इन लोगों ने, और लगातार इनकी सिंगिंग चल रही है। और हाँ, बता दूँ ये मोदी जी के भी बड़े फ़ैन हैं, इनका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है यूट्यूब में, तो मोदी जी के भक्त हैं, सेम डेट ऑफ बर्थ हैं मोदी जी और इनकी, बहुत चर्चा हुई थी।
बट यही है कि सॉन्ग इन्हें प्ले कर रखा है कॉपीराइट ना लगे, इसलिए मुझे आवाज़ ये बंद करनी पड़ी है ओरिजिनल आवाज़। और ये हम तो अब हम चौली की जाली को ख़त्म करके मेन पॉइंट के समीप पहुंच गए हैं, और अब दिखाऊंगा मैं आपको मेन पॉइंट जिसका इंतज़ार सभी को रहता है यहाँ पर आने का, और ख़ासकर कपल्स जो हैं उनके लिए तो एक बेस्ट मोमेंट रहता है यहाँ पर आना और टाइम स्पेंड करना। उसके बहुत रीज़न है, मैं आपको विस्तार से उसका भी बताऊंगा क्यों ये इतना मशहूर हुआ है लवर पॉइंट के नाम से, कि लोग आज यहाँ पर लवर पॉइंट के नाम से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ आपको पॉइंट अच्छे से पूरा, आप देखेंगे इन्जॉय करेंगे।